हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्पल सर। सबसे पहले हम तुम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके कारण है तुम लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट में भी हम लोग हमारा जस्ट विक्रा ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से COVID-19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन में एक क्लास का तुम लोगों को ये क्लास लेने का मौका मिला है। और उसके साथ मैं उम्मीद रखूँगा तुम लोग भी हमारे साथ हर रोज हमारा ये जो ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हो और तुम लोग घर में हो, अच्छे हो, तो ठीक है। तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच हो तुम लोगों के लिए, जो पिछले क्लास में जो पेरोल रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो आज का जो टॉपिक हम चुना है, जो लास्ट टॉपिक है पेरोल रिलेटेड रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग, ये प्रैक्टिकल लेशन है। हाँ, तो इसमें तो हम पिछले क्लास में जो पेरोल रिलेटेड रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग के बारे में दोनों सेक्शन बताए थे, पे रिपोर्ट्स और एक्सपेक्ट रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में हम कैसे जाएंगे, तो उसका एक स्टेप हम दिया है यहाँ पे। जैसे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट डिस्प्ले एंड देन प्रेजेंट, देन यू हैव टू सिलेक्ट पेरोल रिपोर्ट एंड देन प्रेजेंट, देन सिलेक्ट एनी सब रिपोर्ट ऑप्शन। इसका मतलब है तुम जो रिपोर्ट तुम देखना चाहोगे, जो भी रिपोर्ट, जैसे पे सीट, जैसे पे स्लिप, जैसे पेरोल रजिस्टर, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, कोई भी रिपोर्ट तुम देखना चाहे उसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबाना पड़ेगा। देन अप्लाई द फॉलोइंग फंक्शन इज, इसका मतलब है तुम अगर इसका पूरा डिटेल्स देखना चाहें तो प्रेस ऑल प्लस F1 दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट तुमका ये पूरा पीरियड का जितना साल में जितना रिपोर्ट है उसको एक साथ देखना है तो ऑल प्लस F2 दबाना पड़ेगा ने, और उसका पीरियड सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसका जो प्रिंट लेना है वन बाय वन, तो ऑल प्लस प्रिंट करके पेज सेटअप करके प्रिंट लेना है। और उसका जो प्रीव्यू देखना है पूरा एक जूम करके उसके ऑल प्लस जेड दबाने से वो प्रीव्यू। नेक्स्ट हम जो पेरोल रिलेटेड अकाउंटिंग में जो टर्म है, जैसे PF, जैसे ESI, जैसे ESI, जैसे ग्रेचुइटी, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम देंगे, तुम देखते रहो।